दीदी तेरे बॉयफ्रेंड का फोन आया है। कौन सा वाला? पुराना वाला, लकी। लकी, लाउड स्पीकर पे ले जरा फोन। हेलो लकी, तू एक नंबर का बेवकूफ है और तेरी पूरी फैमिली भी। कहते हैं कि मुझे बात करने की तमीज नहीं है, मन तो करता है कि कपड़ों की तरह धूप में सुखा दूं। दीदी बोल रही हैं बेवकूफ हो। समझो तो सही, प्लीज नैना, आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। दीदी सॉरी बोल रहा है। अरे उसको बोल भाड़ में जाए यार। दीदी बोल रही है भाड़ में जाओ। तो सच में जा रही है क्या? हाँ सुन, तू रोज स्कूल जाना, नहा कर, अच्छे ढंग से रेडी होकर। सुन रहा है ना तू? हाँ सुन रहा हूँ, सबकी सुनता ही तो हूँ। और काम है क्या है मेरा? तेरे स्कूल के सामने वाले कैंटीन में मैंने तेरा टिफिन लगवा दिया है, रोज वहां जाके ले लिया करना। सच में जा रही है क्या? ऊपर जाके बैग लेके आ मेरा। घूर क्या रहे, जाना। नैना देख, सही लड़का नहीं है वो। क्या लड़का सही नहीं है? एंड लुक हु इज टॉकिंग, वो लड़का मेरे लिए परफेक्ट है पापा। माँ होती तो मुझे सपोर्ट करती, मेरे साथ खड़ी होती। माँ नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। और माँ क्यों नहीं है? क्योंकि आपको रखेलों से फुर्सत नहीं थी। तुझे बोला था ना बैग लेके बाहर जा। बैग लाने को कहा था तूने, मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? अंदर लेके जा बैग को। मैंने कहा बैग इधर लेके आ सनी। सुना नहीं? अंदर लेके जा बैग को। मैंने कहा सनी बैग यहाँ रख। पहले आप दोनों डिसाइड कर लो क्या करना है। क्यों रोकना चाहते हो आप मुझे? हाँ रोकना ही था तो माँ को रोकते। क्या जिंदगी है तुम्हारी उस नासिर के साथ? दिन भर दारू पीता है, पूरे शहर में आवारागर्दी करता है, सट्टा खेलता है और तुमसे 10 साल बड़ा है। तो क्या फर्क पड़ता है पापा? प्यार करता है वो मुझसे, खुश रहूंगी मैं उसके साथ। प्यार ये आदमी कभी नहीं समझ सकता। माँ की फीलिंग्स को ऐसे ही हर्ट किया था और ये मुझे भी ऐसे ही हर्ट करेगा। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे सुन, तू अपने हाथ से अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। पापा बस रहने दो आप, माँ के होते हुए जो आपने किया उसका क्या? चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। पापा फिर। बस 9 साल हो चुके हैं माँ को गए हुए, जिंदा है भी या नहीं पता नहीं। नहीं जाने दूंगा तुझे, नहीं जाने दूंगा। पापा पर्स छोड़ो। मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। अरे बेकार लड़का है वो, कम से कम आपकी तरह रखेले नहीं पालता है वो। सनी तुझे बोला था ना मैंने, बैग लेके बाहर जा, अब भी जा। तो सच में जा रही है क्या? बस मेरा काम हो गया यार।
आई। तू भी आई है। ओके। कितना टाइम हो गया यार? क्या पता यार कब तक आएगा। कब तक आएगा तेरा मजनू? आ जाएगा ना यार। ये रही मिठाई और ये रहे फूल शादी के लिए। नासिर, नासिर, तू यहाँ पड़ा हुआ है और मैं सारा दिन वहां पागलों की तरह तेरा कोर्ट में इंतजार कर रही थी। नैना, सुनना, तू कोर्ट क्यों नहीं आया? तू कोर्ट क्यों नहीं आया? बता मुझे, तू कोर्ट क्यों नहीं आया? बोल ना नासिर। कोर्ट? तूने बोला था ना कि कल हम शादी करेंगे। अरे वो तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? मजाक से क्या मतलब है तेरा? कल रात को इतने नशे हो गए थे नैना हमें कि कुछ होश ही नहीं था। पता नहीं फोन पे क्या क्या बक रहे थे। नासिर, मैं घर छोड़ के आई हूँ, सबको बोल दिया कि तुझसे शादी कर रही हूँ। अरे तो आप चले जाओ घर पे वापस, कह देना नहीं करनी अब शादी, मूड चेंज हो गया है। इतना बड़ा मसला नहीं है नैना, समझे? वैसे कमाल लग रही है। इधर देख मुझे, तूने बोला था ना तू मुझसे प्यार करता है, बोला था ना तूने। अभी मुझे सिगरेट पीने दो फिर। छोड़ सिगरेट नासिर, चलना शादी करते हैं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पे, चलना। मुझे सिगरेट पीनी है नैना। नासिर चलना, हम शादी करेंगे यार, हम साथ में रहेंगे पूरी जिंदगी नासिर। क्या शादी शादी लग रखा है? नहीं करनी कोई शादी, जो तेरी जैसी ना दस को चलाता हूं मैं, सबसे शादी कर लूं क्या? भाग। बढ़ गई दिल के ये चिल्लाते घरों दे खाब है यह हकीकत में रोते मेरी क्या
खता है, हो रहा है जो होना है, ऐसा लग रहा है दिल सबका मुझ में तो रहा है, बेशुमार थी खुशियां छिन गई, बस रातें ही हिस्से रह गई। तन्हाई पूरी कर दी।